तो यार कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। अ फ्यू वीक्स अगो आर चैनल हिट 6000 सब्सक्राइबर्स, विच इज़ लाइक अ ह्यूज माइलस्टोन फॉर मी एंड मेनी मेनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को। एंड मार्वल फ्यूचर फाइट एंड मार्वल फ्यूचर रेवोल्यूशन कॉन्टेंट के लिए आप आए हो हमारे चैनल पे। सो वी आर डूइंग सम फन एक्टिविटीज एट एवरी माइलस्टोन दैट वी हिट, यानी कि हर 1000 सब्सक्राइबर्स जो कि मैं हिट करूंगा आई एम गोइंग टू डू समथिंग फन। तो आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव यू सम सजेशंस अबाउट कि मुझे क्या करना चाहिए टू सेलिब्रेट द 6000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीशन माइलस्टोन। अलॉन्ग विद दैट क्रिस्टल कूपन गिव अवे भी करूंगा मैं थ्रू दिस पर्टिकुलर वीडियो। 5 क्रिस्टल कूपन गिव अवे करूंगा मैं, तो दैट वुड बी अ टोटल ऑफ 1500 क्रिस्टल्स, 300 क्रिस्टल्स ईच पर कूपन एंड पर विनर। तो इफ़ यू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट यू हैव टू फॉलो 3 सिंपल स्टेप्स। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को सबसे पहला अगर आपने अभी तक नहीं किया, तो अगर आप सब्सक्राइब हो तो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग अबाउट द स्टेप 1। स्टेप 2, कमेंट कर दीजिए अपना फर्स्ट पार्ट ऑफ जीमेल, यानी कि @gmail.com हटाकर जो पार्ट बचता है आपके जीमेल का आपको वो कमेंट सेक्शन में लिख देना है। द थर्ड थिंग इज टू लाइक द वीडियो ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके, बिकॉज यूट्यूब एल्गोरिदम जितने ज़्यादा लाइक्स होते उस हिसाब से वीडियोज को रिकमेंड करते हैं। सो यू हैव टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द जीमेल इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो ऑफ दिस वीडियो इट सेल्फ। गिव अवे विनर्स मैं 2 से 3 डेज में अनाउंस कर दूंगा एंड इफ यू आर वन ऑफ द लकी वंस यू विल गेट इट। अगर नहीं भी आप जीतते हो तो उसके नेक्स्ट वीक यानी कि नेक्स्ट संडे हम और 5 क्रिस्टल कूपन गिव अवे करेंगे एंड उसके नेक्स्ट संडे और 5 करेंगे एंड सो ऑन फॉर द एंटायरिटी ऑफ द मंथ। तो हमारे यहाँ हर हफ्ते 5 क्रिस्टल कूपन गिव अवे होते हैं, दैट इज अ टोटल ऑफ 1500 क्रिस्टल्स। सो इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट डेफिनेटली फॉलो दी स्टेप्स एज आई मेंशनड देम। अलॉन्ग विद दैट अब अगर हम आते हैं तो सेलिब्रेशन इवेंट जो कि मैं बात कर रहा हूँ 6000 सब्सक्राइबर्स हिट करने का, देर आर अ फ्यू सजेशंस जो कि मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा एंड उनमें से आपको जो सबसे बेस्ट लगे आप वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो और आई विल क्रिएट अ कम्युनिटी पोल। तो सबसे पहला है कि इंडिया के जितने भी MFF यूट्यूबर्स हैं उनके साथ मैं कोलैब करूं और एक Q&A करूं, लाइक दे विल आस्क मी सम क्वेश्चंस और बेटर येट अगर आपको उनसे कुछ सवाल पूछने तो वी कैन होस्ट अ गेम शो, यानी कि कुछ शो तरह का एंड आई एम गोना आस्क देम क्वेश्चन एंड वो मुझे जवाब देंगे। आई रिकॉर्ड अ वीडियो अबाउट दैट एंड फिर मैं उसे पोस्ट करूंगा अपने चैनल पे, या फिर आप मुझसे Q&A करना चाहते हो तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। तो पहले तो आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके का सेलिब्रेशन होना चाहिए, Q&A विथ मी और Q&A विथ अदर MFF हिंदी कॉन्टेंट क्रिएटर जो भी साइन अप करेंगे मेरे साथ, तो आई लेट देम इन टू दिस इवेंट। अलॉन्ग विद दैट अब अगर हम इवेंट्स की ही बात करें तो मोनिका रैम्ब्यू का स्पेशल इवेंट तो आते हुए नहीं दिख रहा है, वॉज वेटिंग फॉर दैट, यहाँ पे आना चाहिए था इवेंट में बट अभी तक आया नहीं तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता है। तो या विद दैट आज के इस वीडियो में अलॉन्ग विद दैट वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट सम ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम दिस अपडेट। कैप्टन मार्वल की रिव्यू मैंने कर दी है एंड इट टर्न्स आउट द बेस्ट CTP फॉर कैप्टन मार्वल कैरल डेनवर्स इज CTP ऑफ ग्रीड। तो अगर आप ग्रीड देना चाहो तो डेफिनेटली आप दे सकते हो, रेज और डिस्ट्रक्शन से बेटर रहेगा एज ऑफ येट अकॉर्डिंग टू द टेस्टिंग जो कि सब लोगों ने की है। अलॉन्ग विद दैट ब्लू मार्वल पे आज हम आते हैं, आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टेस्ट आउट ब्लू मार्वल एट लेवल 60 एट लेवल 70 गियर्स 25 है एक, बाकी 23 20 20, सो ही इज नो वेयर नियर टीयर 3 बट स्टिल वी आर गोइंग टू टेस्ट हिम विद द फ्री टू प्ले बिल्ड एंड देखेंगे कि कितना स्ट्रॉन्ग है ब्लू मार्वल एंड इज ही एनी गुड। PvE कॉन्टेंट नहीं टेस्ट करेंगे बिकॉज एज फार एज आई कैन सी ही इज अ PvP मेटा। जहाँ पे हम इनविंसिबल ऑब्लिस्क आई एम गोइंग टू स्विच दिस विद अ CTP ऑफ अथॉरिटी जस्ट फॉर फन सेक, आई वुड नॉट रिकमेंड यू गैस टू डू दैट। अगर मेरे पे एक रीजन होता तो आई वुड हैव गिवन हिम अ CTP ऑफ रीजन बट सिंस आई हैव अथॉरिटी तो मैं अथॉरिटी दे रहा हूँ। कूलडाउन थोड़ा सा कम है सो आई शुड रोल कूलडाउन ऑन द लास्ट गियर, तो यहाँ पे हम कूलडाउन को रोल कर लेते हैं जल्दी से एंड जैसे ही कूलडाउन आता है ओके देर यू गो कूलडाउन आ चुका है एंड कूलडाउन मैक्सड है, इग्नोर डिफेंस मैक्सड है, तो सभी स्टैट्स मैक्स दिख रहे हैं सो वी कैन यूज हिम एज ही इज। और चलिए फिर हम यहाँ पे टीम को सेट कर लेते हैं, तो वी आर गोइंग टू टेक सेंट्री लीड, ब्लू मार्वल फॉर द डैमेज एंड कोलोसस फॉर द सपोर्ट एंड देखेंगे ब्लू मार्वल PvP में कितना अच्छा कर पाता है। एज फार एज आई हैव सीन लेवल 60 पे ही काफ़ी तगड़ा है, तो लेवल 70 पे तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होने वाला है। तो हम वेल्स के अगेंस्ट हम जाएंगे, तो वी आर गोइंग टू गो अगेंस्ट द नंबर 1 प्लेयर इन द एंटायर वाइब्रेनियम लीग विच इज़ क्रेजी। कार्ल CL यहाँ पे रहता था बट अब वो चैलेंजर मेरे नहीं लगा है, तो वी हैव दिस बॉय बोबो राइट नाउ इन द टॉप। तो लेट्स वेट फॉर सेंट्री टू यूज सम ऑफ हिज स्किल्स एंड जैसे हमारा सेंट्री मरेगा ही विल यूज़ 1 मोर स्किल आई बिलीव एनिमी सेंट्री, तो विल वेट फॉर हिम टू डू दैट स्किल जिसमें वो ऊपर जाता है या दिस वन, या जैसे ही खत्म होता है स्विच टू माई ब्लू मार्वल। ओके आई डू द फोर्थ स्किल, आई स्टार्ट विद द फोर्थ स्किल, फिर फिफ्थ स्किल करेंगे, फिर थर्ड स्किल करेंगे प्रॉबेबली या एंड विल लेट दिस चेन हैपन राइट। आई थिंक दिस सेंट्री शुड डाई प्रिटी सून बिकॉज या ब्लू मार्वल टफ है टू बीट। ओके वट से वॉट ओके
एनिमी सेंट्री कुछ ज़्यादा ही टफ था। हाँ एच पी की भी बात करें तो 250,000 एच पी है दूसरे सेंट्री पे, मेरे पे 110,000 है ब्लू मार्वल पे, तो दैट काउंट्स फॉर समथिंग। आई थिंक मैं कुछ ज़्यादा ही वे अबव माय लीग प्लेयर्स के अगेंस्ट जा रहा हूँ, तो कैफिनेटेड के अगेंस्ट जाते हैं कैफिनेटेड लाइफ, तो लेट्स फाइट अगेंस्ट हिम। इसके भी टीम में ब्लू मार्वल है, आई थिंक दैट्स अ नेट, ओके दैट्स अ टीयर टू ब्लू मार्वल, तो ऑलमोस्ट सेम पोजिशन पे। मैं ऑटो प्ले ऑन कर लेता हूँ, लेट्स फाइट विद दिस टीम ऑन ऑटो प्ले। ओके इज दिस अ रिफोर्ज सीडीपी ऑफ रीजन, आई थिंक सो दिस इज अ रिफोर्ज राइट, या दिस इज रिफोर्ज, यहाँ पे पेनिट्रेशन ऑप्शन दिख रहा है मुझे, बट कोई दिक्कत नहीं है, विल गो अगेंस्ट हिम, विल सी क्या कर पाते हैं। ओके एंड ही डिडंट इवन लेट अस यूज आवर स्किल, वाओ इज ब्लू मार्वल गुड फॉर पीवीपी और वॉट। आई थिंक अथॉरिटी देके मैंने गलती की, अथॉरिटी इज नॉट गुड फॉर हिम, तो एक तरीके से इससे पता चलता है कि अथॉरिटी इज नॉट गुड फॉर ब्लू मार्वल, तो अगर आप देने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली डोंट डू द मिस्टेक दैट आई डिड। आई थिंक इनविंसिबल ऑब्लिस्क इज वे बेटर, बट यहाँ पे हम एक सिल्वर सफर के अगेंस्ट जाते हैं, लेट्स सी सिल्वर सफर के अगेंस्ट कैसा कर पाता है ब्लू मार्वल। ओके एंड सेंट्री डाइड फॉर द फर्स्ट टाइम, आई विल स्विच टू ब्लू मार्वल एंड अब हम फोर्थ स्किल यूज करते हैं। ओके दैट वॉज अ रिफ्लेक्ट, वाओ मैं सीधे ट्रैप में घुस गया राइट, दैट वॉज माई बैड। ओके PvP टेस्टिंग थोड़ी मुश्किल है, यू सी माई सेंट्री कैन किल दिस सिल्वर सफर प्रीटी इजिली, तो आई थिंक टीयर 3 पे ब्लू मार्वल कुछ स्ट्रॉन्ग होकर दिखाएगा, बट आई डोंट थिंक टीयर 2 पे ही हैज द फायर पावर टू टेक डाउन द मेटा कैरेक्टर्स राइट। ओके आई थिंक आई डिड अ मिस्टेक बाई गिविंग हिम एन अथॉरिटी राइट, बट गार्ड ब्रेक इम्यूनिटी और इनविंसिबल तो इधर वे उस पर भी है, आई मीन अथॉरिटी पे भी है, तो आई थिंक ओके लेट्स सी। Okay, why am I fighting this sentry? Let's let my sentry die, right? Or better yet, let's kill the enemy team. That would be faster, right? Yeah, sentry mera kafi strong hai. So there's no doubt about it. Even without a reforged regen. Ab dekh sakte hai, toh definitely sentry is still better. Autoplay mein ek bar main khel ke dekhunga. I would like to see autoplay performance. Whether autoplay pe... सही से कर पाता है कि नहीं, तो वी वेंट अगेंस्ट दिस गाय राइट। एक और बार चलते हैं, इस बार हम ऑटो प्ले ऑन रखेंगे, विल लेट द होल बैटल प्ले ऑन ऑटो प्ले। अगर मेरा सेंट्री पूरा सोलो कैरी कर देता है तो विल नो समथिंग, बट अगर ब्लू मार्वल कुछ करके दिखा पाता है ऑन ऑटो प्ले राइट, मैनुअल प्ले में तो चलो ठीक है, बट ऑटो प्ले इज वॉट वी वॉन्ट टू सी। ओके तो सिल्वर सर्फर को मार दिया राइट, आई वॉन्ट टू स्विच टू ब्लू मार्वल एंड लेट हिम बी ऑन ऑटो प्ले। ब्लू मार्वल इज ऑन ऑटो प्ले, ओके ओके एंड ही ऑलमोस्ट किल्ड सिल्वर सर्फर वन टाइम, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, दैट वॉज प्रीटी गुड, काफ़ी अच्छा था वो बैटल। ओके लेट्स किल द एनिमी सेंट्री अगेन, तो आई थिंक विद दिस आई कैन कंक्लूड कि ब्लू मार्वल इज डिसेंट फॉर पी वी पी बट नॉट एट टीयर टू राइट। ओके आई थिंक मुझे एक रीजन के साथ टेस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज दिस इज नॉट अ कम्प्लीट टेस्टिंग। ठीक है तो यहाँ पे इसको एंड करते हैं, आई थिंक आई गॉट माई आंसर, लाइक ब्लू मार्वल एट टीयर 2 इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग फॉर पीवीपी, आपको इसे टीयर 3 करना ही पड़ेगा, लाइक यू नीड हिम एट टीयर 3 इफ यू वांट टू डू, इफ यू वांट टू बी एट एनी पोजीशन टू डू सम गुड डैमेज विद ब्लू मार्वल, बिकॉज अगर आप देखोगे तो स्टैट्स मेरा ऑलमोस्ट सभी स्टैट्स कैप्ड है विच इज प्रीटी गुड राइट, और मैंने एच पी यूरूज भी दिए हुए, सो देयर इज नथिंग दैट ही इज लैकिंग इन द बिल्ड पार्ट, सो या आई विल गेट हिम टू टीयर 3 और उसके बाद हम टेस्टिंग कर लेंगे, बट फॉर नाउ दैट वुड बी माई टेस्टिंग फॉर ब्लू मार्वल एट टीयर 2। एज सून एज आई डू हिम एट टीयर 3 तो टीयर 3 की टेस्टिंग भी आ जाएगी, अलॉन्ग विद दैट जो मैंने आपको बताया कि 6000 सब्सक्राइबर सेलिब्रेशन इवेंट में क्या करना है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और कम्युनिटी टैब में जो मैं पोल डालूंगा उस पर आप वोट कर सकते हो, अलॉन्ग विद दैट इस वीडियो के थ्रू आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर पाओगे, सो डेफिनेटली डू पार्टिसिपेट। अलॉन्ग विद दैट आज प्रॉबली रोस्टर रिव्यू स्ट्रीम होगी इवनिंग में, अगर होगी तो आई लेट यू नो विद दैट एज वेल, अगर नहीं हो पाई तो कल कर लेंगे। सो या विद दैट मैं वीडियो के एंड में आता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, टेक केयर, शाओ वेला, बाय। गोकू सोंगोकू।